हेलो एंड गुड आफ्टरनून। सास बहू और बेटियां के रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज की पहली रॉकिंग न्यूज है करण और बिपाशा की शादी से जुड़ी हुई। आजकल सोशल साइट पर करण और बिपाशा की शादी का कार्ड छाया हुआ है और वायरल हो चुका है। कार्ड के अनुसार दोनों मुंबई के एक 5 सितारा होटल में 30 अप्रैल को करने जा रहे हैं शादी। बकायदा इस कार्ड में उन दोनों का फोटो भी दिया गया है, जिसको लेकर उनके फैंस की उत्सुकता बढ़ गई है। लेकिन अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि ये कार्ड बिपाशा या करण ने ऑफिशियली डाला है या फिर उनके फैंस की शरारत है। सास बहू और बेटियां की अगली रॉकिंग न्यूज है साथिया के अहम यानी मोहम्मद नाजिम से जुड़ी हुई, जो जल्द ही नजर आ सकते हैं एक पंजाबी मूवी में। और इस मूवी का नाम होगा बिग डैडी, जिसका पोस्टर हुआ है हाल ही में लॉन्च। टीवीपुर के सितारों की बड़े पर्दे पर ये छलांग कोई नई बात नहीं है। अब देखना यह है कि अहम अपनी इस नई पारी में कितना इंसाफ कर पाएंगे और क्या कर पाएंगे अपने फैंस की तादाद में बढ़ोतरी। फिलहाल उन्हें सास बहू और बेटियां की तरफ से ऑल द बेस्ट। सास बहू और बेटिया की अगली शॉकिंग न्यूज है सब टीवी के शो चिड़िया घर की कोयल से जुड़ी हुई, जिन्हें हो गया है खतरनाक स्टमक इन्फेक्शन और साथ ही हाई फीवर भी। माना जा रहा है कि ज्यादा शूटिंग करने की वजह से वो अपना ख्याल ठीक से नहीं रख पाती थी। अनियमित खाने और बिजी शूटिंग शेड्यूल की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। कोयल यानी कि अदिति सजवान अब धीरे धीरे रिकवरी कर रही है। उम्मीद है कि वो जल्द ही शूटिंग रिज्यूम कर पाएंगी। हमारी अगली शॉकिंग न्यूज है स्टार प्लस के शो ये है मोहब्बतें के सेट से जुड़ी हुई, जहां मिहिका वर्मा यानी कि इशिता की प्यारी बहना जो जल्द ही कह सकती हैं ये है मोहब्बतें शो को टाटा बाय बाय। खबरों की माने तो लीप के बाद मिहिका को अपना ट्रैक पसंद नहीं आया और वो किसी भी कीमत में अपने आप को ओल्ड एज नहीं दिखाना चाहती, और शायद इसी वजह से वो शो को कह सकती हैं बाय बाय।